नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आए एक बहुत अच्छे क्रैश के बारे में। यहाँ पर मार्केट आज सुबह सुबह जो है यहाँ पर गिर चुका है, $1,000 के आसपास की गिरावट है यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस में। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। अब आगे और क्या क्या चीजें हो सकती है इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग ले ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। काफी दिनों से यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि आप सब लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आ सके, लेकिन काफी दिनों से नहीं लेकर आ पा रहा था वीडियो। आज यहाँ पर वक्त मिला है ताकि आप सब लोगों को कुछ अपडेट दे सके। वैसे अगर आपको रेगुलरली अगर अपडेट्स चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल है जिस पर हम रेगुलरली अपडेट शेयर करते रहते हैं। लिंक दोनों के ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल दोनों के ही, तो वहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको दोनों ही जगहों पर रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे, चाहे वो न्यूज से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केट में कोई टेक्निकल एनालिसिस हो जो कि हमको आपको साथ में शेयर करनी है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर मार्केट का क्या हालचाल है। तो यहाँ पर आते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और बिटकॉइन का चार्ट है ये, और बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर अभी समय पर अगर हम प्राइस देखेंगे तो दिख रहा है हमको यहाँ पर कि करीब करीब 22,360 मतलब कि 22,360 के आसपास का प्राइस जो यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको एक बेसिकली यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है जो कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे लिहाज से ये जो ट्रेंड लाइन है वो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि देखिए यहाँ पर अभी जो है मार्केट यहाँ पर बेसिकली नीचे के पॉइंट पर आ चुका है, और नीचे के पॉइंट पर आने के बाद हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस, ये जो बेसिकली सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक भी हो जाए। ऐसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और उसके मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें से कि एक सबसे बड़ा रीजन है RSI को अगर हम देखें तो RSI मेरे हिसाब से ऑलरेडी अब जो है वो बेयरिश हमको यहाँ पर दिखा रहा है 4 घंटे के चार्ट पर, तो ऑलरेडी हमको यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई रहा है। और दूसरा यहाँ पर अगर हम MACD देखें तो MACD भी नीचे की तरफ डाउनवर्ड पॉइंटिंग है, मतलब कि यहाँ पर गिरावट अभी और भी आ सकती है, इसके चांसेस काफी ज्यादा हाई बनते हैं। तो अब अगर यहाँ से अगर मार्केट अगर इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है, जो कि अभी हमको यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट दिख रहा है, अगर इसको अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो कहाँ कहाँ पर बेसिकली दिखता है। तो देखिए मैं आप सब लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट सपोर्ट हमको सबसे पहले जो दिखता है वो यहाँ पर दिखता है, जो कि है 21,350 के आसपास। मैं यहाँ पर एग्जैक्टली मार्क कर लेता हूँ 21,350। उसके बाद यहाँ पर अगर फर्दर अगर मार्केट अगर डाउन अगर आता है तो हमारे पास एक जोन बनता है बेसिकली, राइट। वो जोन कौन सा बनता है, वो ये जोन बनता है जो कि बनता है 20,600 से लेकर 20,200 के बीच में ये जोन बनता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस जो है वो यहाँ पर हाई हो जाते हैं मार्केट के, कि अगर यहाँ पर मार्केट में अगर गिरावट अगर आई तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये 20,600 से लेकर 20,200 के बीच में भी मार्केट यहाँ पर आ जाए, ऐसी सिचुएशन जो है उसके चांसेस काफी ज्यादा हाई बनते हैं। क्योंकि ये भी जो सपोर्ट है ये कोई सपोर्ट कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा सपोर्ट है, और यहाँ पर ये भी सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हो सकता है बहुत जल्दी। तो अगर ऐसा अगर होता है तो उस कंडीशन में हम 20,600 से लेकर 20,200 के बीच में यहाँ पर प्राइजेस को आते हुए काफी जल्दी जो है वो देख सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि यहाँ पर बनी हुई है मार्केट के अंदर। अभी आप सब लोगों को कुछ और चीजें भी बताते हैं यहाँ पर मार्केट में, जो कि यहाँ पर मार्केट से जुड़ी हुई ही है। आप सब लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले जब हम अपने ट्विटर हैंडल पर भी, अपने यहाँ पर चैनल पर भी, मैंने यहाँ पर भी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था बिटकॉइन पंप और डंप। मैंने आपको यहाँ पर भी सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी कि मार्केट के एक्चुअल में चांसेस नीचे जाने के ज्यादा लग रहे हैं, ऊपर जाने के चांसेस मुझे कम लगते हैं, ये सारी चीजें मैंने आप सब लोगों को बताई थी। जब से लेकर मार्केट 25,250 जहां पर एक बारी का सीजी ने मैनिपुलेशन, सीजी कौन है, सीजी बेसिकली बाइनांस के सीईओ है, जिन्होंने इस लेवल के आसपास 25,250 के आसपास के लेवल के आसपास मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करी थी मार्केट को, उस समय पर मैंने यहाँ पर ये चीज कहा था कि देखिए मार्केट नीचे जाने के चांसेस अब ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि एक बारी जब ये मैनिपुलेशन होकर मार्केट ऊपर नहीं जा पाया
तो उसके बाद जब वहां से रिजेक्ट हुआ है तो उस कंडीशन में मार्केट के नीचे जाने के चांसेस जो ज्यादा बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर की थी, ट्विटर हैंडल पर भी, टेलीग्राम पर भी, हर जगह पर। अभी यहां पर जो चांसेस है वो क्या चीजें लग रही है आप सब लोगों को वो बताते हैं। देखिए जब मार्केट ऊपर की तरफ गया तो मैंने आप सब लोगों को बताया था कि देखिए मार्केट 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए एलियट वेव में ऊपर की तरफ गया था। तो पहले तो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो सारी चीजें वो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी कि सपोर्ट क्या है क्या नहीं है। ऑफ कोर्स मार्केट जो है वो टेक्निकल एनालिसिस पे हर जगह पर काम करता है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि देखिए मार्केट 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अब मार्केट के अंदर क्या होगा कि मार्केट के अंदर ए बी सी करेक्शन आएगी, ठीक है। तो ए बी सी करेक्शन कैसे आएगी, देखिए कुछ इस तरीके से ए बी सी, राइट, कुछ इस तरीके से करेक्शन। ये जो सी है ये नीचे की तरफ भी आ सकता है, ये भी जो ए है हो सकता है कि ये फर्दर और भी नीचे की तरफ आ जाए, राइट, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। फिर उसके बाद बी ऊपर की तरफ एंड देन सी नीचे की तरफ, ये सारी सिचुएशन कुछ इस तरीके से चलेगी। उसके बाद फर्दर मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगा, वो मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप चाहें तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अभी यहाँ पर जो ए वेव है, जो ये ए वेव नीचे की तरफ आएगी, राइट, इस तरीके से मैंने बताया कि ए वेव नीचे की तरफ जाएगी, फिर बी ऊपर, फिर यहाँ पे सी नीचे की तरफ। तो इस ए के अंदर भी कुछ पार्ट्स होंगे जो कि होंगे इंटरनल सब वेव्स होंगी, जिसको हम बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ए के अंदर जो इंटरनल सब वेव्स होती हैं उसको हम बोला जाता है 1, 2, 3, 4, 5, कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन जो है वो बन सकती है। ऐसी सिचुएशन के करते करते धीरे धीरे करके मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आ सकता है। मैं इसका कलर जो है वो यहाँ पे चेंज करके यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ, ब्लू की जगह पर अगर ऑरेंज कर दे तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर नजर आएगा। कुछ इस तरीके से सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है। आप ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं कि वन जो था ए के अंदर जो ये वन था ये ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो गया, टू भी कंप्लीट हो गया, नाउ वी आर इन थ्री। और ये जो थ्री होता है ये सबसे बड़ा होता है वेव। अगर आप चाहें तो पीछे यहां पर आकर भी देख सकते हैं, जब टू से लेकर थ्री तक हम यहां पर गए थे तो उस सिचुएशन में मार्केट में काफी बड़ी रैली आई थी ऊपर की तरफ। वैसे ही अगर वो थ्री जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो उस कंडीशन में वो नीचे भी बहुत तेजी से और काफी बड़ी रैली है नीचे की तरफ आ सकती है। तो यहां पर बी अवेयर कि मार्केट में जो सिचुएशन है वो बेयरिश हो रखी है। अगला यहां पर जो हमको जो टारगेट नजर आ रहा है वो 20,600 से लेकर 20,200 तक का नजर आ रहा है, और उसके बाद फर्दर अगर मार्केट अगर चाहे तो और भी नीचे की तरफ जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम यहां पर देखना चाहें कि मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर भी हम चेक कर सकते हैं कि मार्केट किस लेवल तक नीचे की तरफ जा सकता है। तो देखिए अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाएं अगर यहां पर, तो यहां पर हम ऑलरेडी एक बारी के लिए 23.60 वाला जो यहां पर परसेंटेज है, जो कि यहां पर राउंड अबाउट 23,000 के आसपास था, उसके तो नीचे फिसल कर आ ही चुके हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट जो यहां पर टारगेट बनता है वो बनता है 38.20। जो 38.20 यहां पर जो टारगेट बनता है वो कहां पर बनता है, वो बनता है करीब करीब 21,500 पर, जो कि पहले भी यहां पर सपोर्ट था। अगर इस कंडीशन में अगर ये 38.20 भी ब्रेक होकर मार्केट नीचे की तरफ अगर आता है तो वही टारगेट आ गया जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला 20,200 के आसपास के टारगेट, जो कि 20,600 से लेकर 20,200 के आसपास के टारगेट, जो कि 50% रिट्रेसमेंट यहां पर कंप्लीट करता है, राइट। यहां पर हो सकता है कि यहां तक मार्केट नीचे की तरफ गिरे, देन फर्दर यहां पर थोड़ा सा बाउंस, एंड देन अगेन हो सकता है कि ये 61.8% के रिट्रेसमेंट तक भी आए। अदरवाइज देखिए दो चीजें होती है मार्केट के अंदर, एक होता है मार्केट के अंदर गोल्डन रेशियो, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं 61.8% का गोल्डन रेशियो, जहां तक कि मार्केट गिर सकता है। और उसके अलावा मार्केट के अंदर गोल्डन जोन भी होता है। गोल्डन जोन जिसे कहते हैं फिबोनाची गोल्डन जोन, या फिर गोल्डन बेसिकली एक तरीके से हम कहेंगे कि जोन बेसिकली जिस तरीके से हम कह सकते हैं बेसिकली मेनली, तो वो होता है 50% से लेकर 61.8% के बीच में, राइट। ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो जोन है बेसिकली वो कहां पर है, वो जोन है यहां पर 20,350 से लेकर नीचे 19,200 तक, राइट। ये जो सिचुएशन है यहां तक मार्केट जो है वो नीचे की तरफ यहां पर फिसल सकता है, ये सिचुएशन यहां तक मार्केट आ सकती है, इस जोन में बेसिकली आ सकता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है बेसिकली कि देखिए जो अगला जो यहां पर सपोर्ट जो हमको यहां पर नजर आ रहा है वो यहां पर बेसिकली 21,350 तो नजर आ रहा है, लेकिन ये काफी वीक सपोर्ट है, यहां से मार्केट नीचे की तरफ फिसल सकता है फर्दर और ज्यादा। और मेरे हिसाब से आप यहां पर मार्केट हमको 20,000
600 से लेकर 20,200 तक हमको काफी आसानी से आते हुए नजर आ सकता है मार्केट, जो कि काफी ज्यादा लंबे समय में नहीं, काफी शॉर्ट टर्म में मार्केट हमको यहाँ पर हो सकता है कि आज, हो सकता है कल, एक दो दिन के अंदर यहाँ पर मार्केट हमको फिसलता हुआ और फर्दर नीचे की तरफ दिखाई दे जाए। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मार्केट यहाँ पर अब बेयरिश हो चुका है, काफी ज्यादा जो है यहाँ पर कंफर्मेशन हमको मिल चुकी है ऑलरेडी, हमको एलियट वेव पे पहले से ही कंफर्मेशन थी हमको पहले से कि मार्केट नीचे की तरफ फिसल सकता है। उसी के साथ साथ आज जब यहाँ पर 23,000 के सपोर्ट के नीचे जब हमने एक नया लोअर लो बनाया, बेसिकली देखिए जब यहाँ पर मार्केट हाई बनाया, एक ये लो बनाया, उसके बाद हाई के ऊपर नहीं जा पाया, राइट, और उस कंडीशन में लो भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिलती है कि अब जो है यहाँ पर डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। पहले मार्केट हायर हाईज और हायर लोज बना रहा था, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मार्केट हायर हाईज और हायर लोज बना रहा था कुछ इस तरीके से करके, राइट, लेकिन अब मार्केट ने यहाँ पर लोअर लोज और लोअर हाईज बनाने शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब है डाउन ट्रेंड यहाँ पर बिटकॉइन का जो वो स्टार्ट हो चुका है, काफी हद तक कंफर्मेशन आ चुकी है कि मार्केट अब फर्दर और डाउन जा सकता है, जिस तरीके से मैंने इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों को एक्सप्लेन किया है, एलियट वेव्स पे भी उस तरीके से यहाँ पर चीजें जो चल सकती हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, यहाँ पर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर हमको अब नजर आ रहा है। बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इथेरियम के चार्ट के ऊपर, तो इथेरियम के चार्ट के ऊपर भी सिचुएशन तो एग्जैक्टली सिमिलर ही है कि देखिए अब यहाँ पर जो हाई था और उसके बाद जो यहाँ पर लो बना, वापस मार्केट ने ऊपर जाने के लिए अटेम्प्ट तो किया लेकिन मार्केट इतना ऊपर नहीं जा पाया कि प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे, इनफैक्ट प्रीवियस लो के भी नीचे की तरफ यहाँ पर बाजार जो है वो फिसल चुका है। इसका मतलब है कि एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर इथेरियम के अंदर भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज का अगर हमको यहाँ पर डेली कैंडल क्लोजर एक और अगर हमको यहाँ पर अगर इसके नीचे अगर मिल जाए लो के नीचे, तो यहाँ पर काफी अच्छी सिचुएशन हो सकती है, मार्केट और ज्यादा फर्दर नीचे की तरफ आ सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर बाय कर कर बैठे हो और उन लोगों को लग रहा हो कि नीचे जाने की बातचीत कर रहे हैं और उसमें खुशी का माहौल जो झलक रहा है, तो जी बिल्कुल यहाँ पर जो एनालिसिस है मार्केट में, जब एनालिसिस सही तरीके से चलती है तो उस कंडीशन में जरूर खुश होना होता है और वहां पर मार्केट को यहाँ पर जो है हमको उस डायरेक्शन में देखना होता है। फिलहाल के लिए जितने भी लोग बुल्स हैं उन सब लोगों के लिए मैसेज है कि देखिए मार्केट ऑलरेडी अपने सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, ऐसे सिचुएशन में अगले सपोर्ट तक जाने की तैयारी यहाँ पर कर रहा है मार्केट, वो मैं आप सब लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ और वो सारी चीजें जो है यहाँ पर दिखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए मार्केट में जो माहौल है वो बेयरिश हो चुका है, बुलिश। अगर आप सब लोगों को कहीं से भी कुछ भी इंडिकेशन अगर मिल रही है तो एक बारी के लिए जरूर सोच लीजिएगा कि मार्केट एक्चुअली में क्या बुलिश यहाँ पर दिख रहा है। अनटिल एंड अनलेस अगर मैं इथेरियम की बात करूं, जो यहाँ पर 1680 का जो रेजिस्टेंस बना था, अनटिल एंड अनलेस इथेरियम यहाँ पर 1680 को फ्लिप कर ऊपर की तरफ चला जाए, या फिर बिटकॉइन अगर मैं बात करूं जो 24,000 का यहाँ पर रेजिस्टेंस बना था, इसके ऊपर चला जाए 24,000 के ऊपर, तब तक अगर हम उससे पहले अगर हम बुलिश अगर हो रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। हाँ, अगर बिटकॉइन अगर 24,000 के ऊपर चला जाए तो उस कंडीशन में हम बुलिश हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे हिसाब से बुलिश होने का कोई फायदा नहीं है अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पर मार्केट अब एक लोअर लोज का सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट कर चुका है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी चीजें हैं, बहुत जल्दी हम और भी ऑल्ट कॉइंस को फिसलता हुआ नीचे की तरफ देख सकते हैं, जैसे कि बीएनबी को भी, बीएनबी में भी सेम ही यहाँ पर सिचुएशन लग रही है कि देखिए पहले यहाँ पर हायर हाईज बन रहे थे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गया, उसके बाद मार्केट एक बारी के लिए नीचे फिसला है, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया, पहले हायर हाई यहाँ तक था उसके बाद एक लोअर हाई बनाया, अभी तक फिलहाल के लिए प्रीवियस यहाँ पर लो ब्रेक नहीं किया है, लेकिन अगर इसको अगर ब्रेक कर अगर ये नीचे की तरफ अगर फिसलता है तो फर्दर यहाँ पर और नीचे की तरफ भी आ सकता है। यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि मार्केट यहाँ पर अब बेरिश हो चुकी है। अगर बात करें यहाँ पर थोड़ा सा बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर कंपैरेटिव टू बिटकॉइन, यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स है वो अभी तक थोड़ा सा स्ट्रांग खड़े हैं, मतलब कि बिटकॉइन अभी तक ज्यादा गिरा है, ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा नहीं गिरे हैं, लेकिन ये भी चीज जो है बहुत लंबे समय तक रहने वाली नहीं है मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पर मार्केट में अगर थोड़ा अभी प्रेशर जो है वो सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा अगर बढ़ जाए तो उस कंडीशन में बिटकॉइन डोमिनेंस भी और ऊपर की तरफ जा सकता है, या फिर स्टेबल होकर मार्केट में ऑल्ट कॉइन फिसल सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो यहाँ पर लग रही है, क्योंकि जब बिटकॉइन फिसलता है तो ऑल्ट कॉइन बहुत ज्यादा लंबे समय तक ऊपर की तरफ टिक नहीं पाते हैं, ये चीज हमने पहले भी देखी है, अभी भी हो सकता है कि इस तरीके से चीजें दिखाई दे जाए। हाँ, अगर ऐसा होता है कि बिटकॉइन फॉल डाउन करता है और यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस भी गिरता है तो उस कंडीशन में बिटकॉइन तो गिरेगा,
काफी अच्छा कहा था, लेकिन ऑल्ट कॉइन फिर बहुत ज्यादा उस हिसाब से नहीं गिरेंगे जिस हिसाब से बिटकॉइन गिरा, मतलब कि ज्यादा परसेंटेज में बिटकॉइन गिरेगा और ऑल्ट कॉइन जो है वो कम परसेंटेज में गिरेंगे। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजों पे थोड़ा सा वॉच रखना जरूरी है। फिलहाल के लिए बिटकॉइन डोमिनेंस भी जो है वो अपने सपोर्ट पे खड़ी है। आप चाहें तो ये चीज देख सकते हैं कि देखिए ये पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है जहां से कि मार्केट जो है वो वापस चला गया था ऊपर की तरफ, यहाँ पर गया था, लेकिन अभी भी इसके अंदर सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर। अगर हम देखेंगे कि ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स एक लोअर हाई जरूर मिला है यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस पे, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है। अगर यही इसी सपोर्ट से अगर मार्केट अगर ऊपर जाना चाहे तो बेशक जा सकता है, उस कंडीशन में यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस अगर बुलिश हो गया तो ऑल्ट कॉइन्स और ज्यादा तेजी से फिसल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस चार्ट के ऊपर थोड़ा सा नजर रखने की जरूरत है। इसके ऊपर कमेंट करना अभी एकदम से सही नहीं होगा मेरे हिसाब से, कुछ समय के बाद इसके ऊपर ज्यादा बेटर कमेंट कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से बिटकॉइन डोमिनेंस पे जो है वो थोड़ा सा नजर रखने की जरूरत है कि ऑल्ट कॉइन्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई बहुत बड़ी उछाल तो हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर नहीं देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के कंपैरेटिवली अगर ये बिटकॉइन डोमिनेंस अगर नीचे की तरफ अगर फिसला तो हो सकता है कि ऑल्ट कॉइन्स गिरे तो सही, लेकिन उस कंडीशन में थोड़ा सा कम गिरे यहाँ पर यूएसडीटी पेयर के अंदर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर मार्केट का अपडेट है। मार्केट में मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पर बेरिश है अनटिल एंड अनलेस बिटकॉइन 24,000 के ऊपर और इथेरियम 1,680 के ऊपर चला जाए, तब तक मैं यहाँ पर मार्केट के अंदर बेरिश हूँ। अगर यहाँ पर 24,000 के ऊपर जाता है बिटकॉइन और इथेरियम जाता है 1,680 के ऊपर 1,680 के ऊपर, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर बुलिश होने के बारे में सोच सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यही कुछ चीजें, यही कुछ अपडेट है आपके लिए आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।